गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो डे टू की शुरुआत हमारे मस्त से ब्रेकफास्ट से हुई, जो कि हमारे होस्ट है उन्होंने प्रिपेयर किया था, उपमा और चा। तो अभी हम लोग आए सुनहरी महल देखने के लिए जो कि सामने है, लेकिन उससे पहले एक लेफ्ट साइड में लाला हरदल इनकी समाधि है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, यह कौन है? कोई नहीं, हम बता देते हैं। लाला हरदल पुत्र थे बुंदेलखंड ओरछा नरेश वीर सिंहदेव और भाई थे पहाड़ सिंह के। लाला हरदल एक महान स्वतंत्र सेनानी थे और एक कुशल योद्धा भी। बुंदेलखंड के इतिहास में उनका अपना नाम है। वह हमेशा अन्याय के विरोध में खड़े होते थे और उनका इतना नाम था कि मुगल भी उनसे डरते थे। लेकिन इनका इतना शौर्य और प्रसिद्धि इनके भाई झुंझार सिंह से देखा नहीं गया, और झुंझार सिंह ने विजयादशमी के दिन ईस्वी सन 1631 में विष देकर लाला हरदल इनकी हत्या कर दी। 100 मीटर आगे अभी हम लोग जा रहे हैं सुनहरी महल देखने के लिए। सोनेरी महल छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में स्थित है। इस स्थल का इतिहास 17वीं शताब्दी का है। इसका निर्माण 1691 से 1653 के बीच हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 50,000 रुपए की कीमत लगी थी और 1934 में इस महल को 26,400 रुपए में हैदराबाद के निजाम को बेच दिया गया था। ये 2 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण संपूर्ण रूप से राजपूत शैली में किया गया है। महल में सोने से बनी कई पेंटिंग मौजूद है, इसलिए इसका नाम सोनेरी महल रखा गया। सो अभी सोनेरी महल देख के हो गया, बाहर फ़ोटो निकाल सकते हैं। अंदर एक काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम है, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट वो म्यूज़ियम देखने लायक है। जस्ट 10 रुपीज़ टिकट है, वो आके जब भी आप यहाँ पे आए वो ज़रूर देखना। नाउ जस्ट सोनेरी महल के राइट साइड से एक हिल के और रोड जाता है, वो लाइक 15 मिनट्स का ट्रेक काइंड ऑफ है। वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, बट अभी नाउ इट्स लाइक 11 AM, काफ़ी धूप है, तो हम लोग को कैंसिल कर रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं औरंगाबाद केव्स की ओर। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से स्टेप्स है ऊपर केव्स तक जाने के लिए, लेकिन वो फिर काफ़ी चलना पड़ेगा। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें बताया कि जो कच्चा रोड जाता है वो ऑलमोस्ट जो टिकट काउंटर है वहाँ पे जाता है, और फिर वहाँ पे एक टिकट में जो 2 केव्स है, यानी कि सामने एक केव्स है और राइट साइड में भी एक केव है, तो दोनों आप दे सकते हो। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है ये जो कच्चा रोड जा रहा है टिकट काउंटर के वहाँ पर चले जाते हैं, तो टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम पड़ेगी। तो अभी हम फर्स्ट केव के यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप टिकट निकालते हैं तो यहाँ पे जो केव है और लेफ्ट साइड में और केव है वो भी आप देख सकते हो एक ही टिकट में। उससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो 25 रुपीज़ टिकट है और यहाँ पे जाना है केव देखने के लिए। आई गेस 10 मिनट का कुछ वॉकिंग है। इन गुफाओं की पहली विशेषता तो ये है कि ये गुफाएं नरम और आकर्षित बेसाल्ट की चट्टानों का रॉक कट डिज़ाइन का अद्भुत नमूना है। माना जाता है इन्हें 7वीं शताब्दी में बनाया गया है। इन गुफाओं की अंदरूनी दीवारों पर बौद्ध धर्म के आरंभिक चित्र और कलाकृतियां हैं। सभी गुफाओं में से गुफा नंबर 3 सबसे बड़ी गुफा है, जिसमें 4 बड़े स्तंभों से बना बरामदा और एक बड़ा हॉल, उनके बीच एक बेहद खूबसूरत मंदिर स्थापित है। गुफा नंबर 7 सभी गुफाओं में से सबसे विकसित और समृद्ध गुफा है, और इस गुफा की दीवारों पर हिंदू और बौद्ध धर्म के देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं की दीवारों पर बौद्ध धर्म की कई वस्तुकलाएं चित्रित हैं, और साथ ही बौद्ध कोशिकियाँ भी निर्मित हैं, जिन्हें विहार कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के देवता गणेश और माँ दुर्गा के चित्रों के अलावा कई प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं। तो अभी यहाँ पे जो 5 केव्स हैं वो देख के हो गए, अभी जा रहे हैं जो अपोजिट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में और 5 केव्स हैं वो देखने के लिए। तो अभी हम लोग इस साइड के जो 5 केव्स हैं वो देखने आ गए,
एक जस्ट अपडेट है कि यहाँ की टिकट भी वहाँ चलते हैं और वहाँ की टिकट भी यहाँ पे चलते हैं, तो किसी भी साइड आप पहले आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक ही साइड पहले जाना है। तो अभी जाते हो ऊपर, यहाँ पे थोड़े स्टेप्स है, काफ़ी चलना है, आप देख सकते हो। गुफाओं के दरवाजों पर हड़ताली फूलों की डिजाइनिंग देखने मिलती है। इन गुफाओं की कलाकृति हीनयान शैली के स्तूप, महायान और वज्रयान शैली से संबंधित है। इतना घूमने के बाद हमें लगी थी जोरों की भूख और हम आप पूछे फेमस रेस्टोरेंट सागर में लंच करने के लिए, जो कि हमें हमारे होस्ट ने भी रिकमेंड किया था। बट वहाँ का एम्बियंस हमें कुछ खास नहीं लगा और खाना भी काफ़ी नॉर्मल था, तो मायूस होकर हम वहाँ से निकल पड़े। बाद में ऐसे ही गूगल करने पर हमें पता चला कि हम गलत सागर रेस्टोरेंट आ पहुँचे थे। तो अब हम क्या ओरिजिनल सागर रेस्टोरेंट में जा पाते हैं, ये तो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। इसी के साथ उम्मीद करते हैं यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं पान चक्की, बीबी का मकबरा और छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम और काफ़ी सारे प्लेसेस, तो वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। सी या।